दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे Vivo V29 स्मार्टफोन को iQOO Z7 Pro स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि Vivo के अंदर हमें 6.78 इंचेस की 1.5K वाली कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, और वहीं दूसरी तरफ iQOO के अंदर हमें 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें कर्व्ड AMOLED पैनल मिल रहा है। भाई अच्छी बात है, एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको एक लेवल और बढ़िया कंटेंट वॉचिंग करनी है ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली Vivo की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें 1.5K वाली डिस्प्ले मिल रही है भाई। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आते हैं जो कि फनटच 13 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं, लेकिन यार जो दोनों फोन्स की यूआई है ना भाई, फनटच 13 भाई भर के आपको ब्लोटवेयर्स मिल जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और चिपसेट की अगर हम बात करें तो Vivo के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 778G 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ iQOO के अंदर हमें डायमेंसिटी 7200 5G चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों ये जो दोनों चिपसेट है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में एकदम बढ़िया है। लेकिन यार अगर आपको एकदम बढ़िया वाली गेमिंग करनी है ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली iQOO की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें डायमेंसिटी 7200 मिल रहा है भाई, बिल्कुल बढ़िया वाली गेमिंग आपको करवा देगा। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो Vivo फोन के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया, वहीं दूसरी तरफ iQOO के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे Vivo की, तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ iQOO फोन का मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। और आपको बता दूं दोस्तों iQOO फोन का जो मेन कैमरा है ना भाई 64 मेगापिक्सल का, भाई बढ़िया वाली फोटोज आपकी क्लिक कर देगा अच्छी डिटेलिंग के साथ में, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों अगर आपको बिल्कुल कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए ना भाई, डेफिनेटली आप यहां पर Vivo की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा है ना 50 मेगापिक्सल का, भाई बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है और एकदम नेक्स्ट लेवल फोटोज आपकी क्लिक कर देगा। कैमरा सैंपल्स आप स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं कि इस फोन के मेन कैमरा ने डिटेलिंग्स को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। और सच में यार मुझे खुद भी इस फोन का कैमरा सेटअप काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो दोनों फोन के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए यहां पर दोनों स्मार्टफोन OIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। भाई स्टेबलाइजेशन के मामले में भी यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो Vivo के फ्रंट में हमें 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया जिससे हम मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ iQOO के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया जिससे हम मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों सेल्फी फोटोज के मामले में यहां पर iQOO का फोन बढ़िया है, लेकिन यार अगर आपको बिल्कुल टॉप लेवल वाली सेल्फी फोटोज क्लिक करनी है और 4K में वीडियो भी बनानी है, भाई डेफिनेटली आप यहां पर Vivo की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि सच में यार इसका जो फ्रंट कैमरा है ना भाई, बढ़िया वाला ऑप्टिमाइज किया गया और एकदम नेक्स्ट लेवल फोटोज और वीडियोज आपके क्लिक कर देगा। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के अंदर हमें 4600mAh की बैटरी दी गई है जिसमें कि Vivo का फोन 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ iQOO का फोन यहां पर 66 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। दोस्तों फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट अगर आपको और भी ज्यादा चाहिए तो डेफिनेटली Vivo की तरफ ही जरूर से जाइए। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों फोन यहां पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5mm जैक हमें दोनों फोन में से किसी में भी नहीं दिया गया। और अगर हम बात करें स्पीकर्स की तो दोनों फोन यहां पर सिर्फ सिंगल स्पीकर के ही साथ में आते हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन की प्राइसिंग की। तो आपको बता दूं कि Vivo फोन के 8+256GB वेरिएंट की अप्रोक्स प्राइसिंग है 34,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ iQOO फोन के 8+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 25,000 रुपए। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों अगर आपका बजट है भाई 25,000 रुपए तक का और उसमें अगर आपको ओवरऑल एकदम बढ़िया फोन चाहिए और लेकिन आपको साथ साथ एकदम बढ़िया वाली गेमिंग भी करनी है, तब आप यहां पर डेफिनेटली iQOO की तरफ ही जरूर से जाइए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर आपकी मेन रिक्वायरमेंट है भाई कैमरा सेटअप है ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली Vivo की तरफ ही जरूर से जाइए। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए।